के न्यूज खबरों की नई पहचान। वर्षों से लंबित अयोध्या में राम मंदिर पर देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने किया फैसला। सर्वोत्तम न्यायालय के फैसले आने से पहले देश का कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया। वहीं धनबाद में भी इस फैसले से पहले जिले पुलिस के द्वारा अति संवेदन क्षेत्रों में और हर चौक चौराहे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। किसी तरह की अफवाह पर प्रशासन की कड़ी नजर थी। जिला पुलिस अफवाह पर नजर रखी थी जिससे समाज पर किसी तरह की कोई घटना ना घटे। वहीं इस फैसले को लेकर क्या कहते हैं? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये बहुत ही सुंदर फैसला आया है, भारत देश के लिए गौरव की बात है। भाईचारा कायम हुआ इस फैसले से, यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम है और हम लोग इससे बहुत खुशी। हाँ, ये हमारा सभी भाई और समाज के बंधुओं से निवेदन है कि शांतिपूर्वक अपने जो भी फैसला है इन सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस सबको स्वागत योग्य होना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया यही है कि हमारे देश के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, सारे समाज के लिए अच्छा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो सारे समाज को देखते हुए निर्णय लिया है, जिसमें 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम समुदाय को दी जाएगी और श्री राम मंदिर जहाँ पे है वहीं पे निर्माण होगा। ये अशोक कुमार अग्रवाल, अशोक जी, देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने एक जजमेंट सुनाई है, उसके बारे में आप लोग क्या आपने? इससे पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। ये देश के हित के लिए बहुत बढ़िया है, उसको निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, नहीं इसमें हिंदुस्तान हिंदू का फैसला है, मुसलमान का फैसला, एक देश का फैसला है, अति हिंदुस्तान का फैसला है और इस पर सभी को स्वीकार करना चाहिए। चाहे यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहता है, इसको सभी को स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, उसको सब पर रहना चाहिए इसको मान। मेरी अपनी प्रतिक्रिया है कि जो भी फैसला आया वो देश हित में आया है, जिसका हम सम्मान करते हैं और देश हित में ही ये फैसला आया है और हम चाहेंगे कि इस फैसले का कोई विरोध ना करे और भाईचारे को बनाए रखे और सब आपस में हम लोग अपना भाईचारे को बनाए रखें। बस हम यही अपील करेंगे अपने भाई बंधुओं से और अपने भारतवर्ष के सभी नागरिक से। अपनी प्रतिक्रिया क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया सोच समझ के दिया, मतलब वो बहुत दिन से चल रहा था, जजमेंट तो बहुत दिन से पेंडिंग था, जो भी उप न्यायालय का आदेश आया वो अच्छा ही आया, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, है ना, उनका जजमेंट का और बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद दे के हम लोग उनको ये करते हैं और चाहते हैं कि जनता अपने में सौहार्द बना के रखे। जो जजमेंट आया है उसका स्वागत करते हैं, साथ ही साथ जजमेंट चाहे जो भी होता, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, हम दोनों आपस में भाई थे, भाई रहेंगे। जजमेंट चाहे जो भी आता, लेकिन एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा हमें आपस में लड़ने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैं विश्व हिंदू परिषद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमा शंकर तिवारी, हम देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उसके लिए उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज कई वर्षों से जो चीज़ लटका हुआ था, जो फैसला नहीं हो पा रहा था, वो फैसला अति सुंदर और सही हुआ है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन वो एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन दो समुदायों के बीच में चल रहे बहुत बड़े झगड़े को, विवाद को एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय, जब हम हिंदुस्तान के हैं और हम हिंदुस्तान के बनाए हुए संविधान को मानते हैं, तो हमको अपने सुप्रीम कोर्ट पे भी ये आस्था है कि वहाँ से जो भी निर्णय होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और सुप्रीम कोर्ट का आज का जो निर्णय आया है ये रियली बहुत तारीफ़ के काबिल है
और लोगों को ये समझना होगा कि संविधान से ऊपर किसी का भी धर्म, किसी का भी जात और कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये देन है कि आज उन जैसे विवादों को खत्म करते हुए जो उन्होंने अपना फैसला दिया है वो सभी नागरिकों के हित में है। और मैं देशवासियों को अपील करूँगा कि ये आज के दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए कि हम लोगों के जो दो समुदायों के बीच में किसी तरह का जो विवाद चल रहा था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर के, दोनों समुदायों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है और इस फैसले को भारतवासी को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और आपस में भाईचारा, जैसे कल भी हमारे हिंदुस्तान को भाईचारे के लिए जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप अपना प्यार बनाए रखें और पूरे विश्व में अपनी एकता और अखंडता की मिसाल कायम रखें।